कि भारतवर्ष जो है ना बर्बादी की तरफ बढ़ता जा रहा है, जैसे दुनिया चलती वैसे चलेंगे या अलग चलेंगे? ये क्यों कर रहे हो? जिस तरह दुनिया में होता है वही यहाँ भी होना चाहिए। गोवा में नॉर्थ ईस्ट में गाय काटो बैल काटो, और उत्तर प्रदेश में और जहाँ बीजेपी की सरकार कुछ जगहों पर नहीं काटो वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन इनका दोहरा रुख है। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और इससे बर्बादी हो रही है। जितना चमड़े का कारोबार ख़त्म हो रहा है, हड्डी का कारोबार ख़त्म हो रहा है, रोजगार ख़त्म होता जा रहा है, और हमें डर इस बात का है कि हम श्रीलंका की तरह बर्बाद ना हो जाए। और मुझे लगता है कि अगर सरकार ने कुछ सही कदम नहीं उठाया तो बहुत जल्द मेरे देश के मंत्रियों की हालत वही होगी जो हालत हुई है वहाँ पर श्रीलंका में। ये हम सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं, डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट। कानपुर के अंदर जो जुल्म जाती हो रही है, क्यों? जब इनके देवी देवता को, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ के नाम पर जेम्स लेन ने एक नावेल लिखा तो पूरा पूना के अंदर सब जला दिया गया उसको, तो फिर आपने उनको पकड़ के क्या वही सेक्शन लगाए थे जो कानपुर में लगा रहे हो? और अब अगर जब कानपुर के लोगों ने कहा था, जब मांग कर रहे थे उसको अरेस्ट करो, अगर उसको अरेस्ट किए होते, पार्टी से निकाल दिए होती, होते नहीं। जब दूसरे मुल्क से दबाव पड़ा है तो मोदी जी के तंबू में जब घबराहट हुई है कि कहीं ऐसा ना हो जाए मेरा बाइकॉट वहाँ से हो जाए, तब उन्होंने उनको वो किया है, सस्पेंड किया है, निकाला है पार्टी से। भारतवर्ष के मुसलमानों को बोलने पर नहीं निकाला है, ये इसको ज़रा सोचना चाहिए लोगों को। और अभी ये निकालने से कुछ नहीं होता है, उनको जेल भेजना चाहिए, 5-5 साल के लिए जेल से जमानत नहीं हो, ऐसा गलत काम उन लोगों ने किया है। गाड़ियाँ रोकी जाती है व्यापारियों का, अभी एक महीना ही बाकी है। ये गाड़ियाँ नहीं, ऐसा है ना कि हर वो काम किया जा रहा है जिससे मुसलमान को तकलीफ हो, जानबूझ के आदमी बस बैठता ट्रेन में ऊपर जा रहा है, ऊपर बैठा है अपना छत के ऊपर ट्रेन में गिर के मर रहा है, कोई जमात नहीं खड़ी होती, ये इंसान कैसे जा रहा है, उसको पानी रेलवे मिल रहा है पीने को नहीं मिल रहा है। जानवर है तो उसकी बड़ी फिक्र लगी इनको कि जानवर की साइज़ ये होना चाहिए और उसको पानी मिलना चाहिए, चारा मिलना चाहिए, और आदमी मरे जाके बैठ के ट्रेन में उसकी फिक्र नहीं। ये हालत है।